तो हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल टॉनमोलॉजी। आज हम अनबॉक्सिंग करेंगे एक बहुत ही खूबसूरत गैजेट का, जो कि है डिजिमोर कंपनी का एक वॉइस रिकॉर्डर किट। इसका मॉडल नंबर है D430। इसका कुछ स्पेशल फीचर्स बॉक्स के ऊपर मेंशन किया गया है, जैसे कि अल्ट्रा नॉइस कैंसिलेशन, प्लग एंड प्ले, फुल मेटल कास्टिंग है। इसका जो बिल्ड क्वालिटी है बहुत ही अच्छा है। बॉक्स के अंदर हम लोगों को जो कुछ देखने को मिलेगा सब यहाँ पे फोटो में मेंशन किया हुआ है। इसका फ्रीक्वेंसी रिस्पांस, पोलर पैटर्न आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। इसका जो प्राइस है वो यहाँ पे 499 लिखा है, लेकिन ओरिजिनल प्राइस इससे बहुत कम है। चलिए फटाफट इसको अनबॉक्स करके देख लेते हैं। पहले ही हम लोगों को वेलकम नोट, वारंटी कार्ड एंड यूज़र गाइड बुक देखने को मिल जाता है। ऊपर की तरफ एक माइक फिल्टर देखने को मिलता है और बाकी सारा पार्ट नीचे बहुत अच्छे तरह से पैकिंग करके रखा गया है। तो चलिए फटाफट से एक एक करके सबको बाहर निकाल लेते हैं। पहले ये फिल्टर हैं, इसको साइड में रख देते हैं। अभी ये जो है ये माइक होल्डर हैं, इसमें माइक को होल्ड किया जाता है। उसके बाद हम लोगों को ये स्टैंड देखने को मिलता है, जिसके ऊपर ये माइक होल्डर लगा के उसमें माइक को जो है वो फंसाया जाता है। उसके बाद हम लोगों को एक टेबल माउंट देखने को मिलता है। ये जो स्टैंड है ये टेबल माउंट के ऊपर फिक्स करके स्टैंड को अपने हिसाब से एडजस्ट किया जाता है। उसके बाद हम लोगों को एक माइक्रोफोन केबल देखने को मिल जाता है, जिसके एक तरफ XLR 3-pin जैक देखने को मिलता है और दूसरी तरफ 3.5mm जैक देखने को मिलता है। उसके अलावा बॉक्स के अंदर एक डेटा केबल और एक ऑक्स केबल और दो केबल दिया गया है, जिसके एक तरफ टाइप बी और दूसरे तरफ 3.5mm जैक देखने को मिल जाता है। ये दो केबल मोबाइल फ़ोन को कंट्रोलर के साथ कनेक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। इसके अलावा बॉक्स के अंदर हम लोगों को मिल जाता है ये कंट्रोलर यूनिट, जो कि इनबिल्ट बैटरी के साथ आता है। इस सब के अलावा बॉक्स के अंदर मिल जाता है हम लोगों को एक माइक, जिसका बिल्ड क्वालिटी बहुत ही अच्छा है। फुल मेटल बॉडी इसमें यूज़ किया गया है। माइक के पीछे की तरफ XLR 3-pin पोर्ट देखने को मिल जाता है। ये जो मेन कंट्रोलर है इसका भी बिल्ड क्वालिटी बहुत ही अच्छा है, फुल्ली मेटल बॉडी है। इसके ऊपर बहुत सारा बटन दिया गया है और इसके अंदर ब्लूटूथ 5.0 कनेक्टिविटी देखने को मिल जाता है। इसके साइड के तरफ एक चार्जिंग पोर्ट, दो मोबाइल कनेक्टेड पोर्ट, बैकग्राउंड ट्रैक पोर्ट, ईयरफोन हेडफोन ट्रैक पोर्ट, कंडेंसर माइक एंड डायनामिक माइक पोर्ट देखने को मिल जाता है। इसका जो माइक है यहाँ पे मेंशन किया गया है कि माइक को इसी तरफ से पकड़ के बोलना है। इस माइक्रोफोन में XLR पोर्ट कनेक्ट करके दूसरा पॉइंट को कंडेंसर माइक वाला पोर्ट में कनेक्ट करना होगा। कंट्रोलर का सारा फंक्शन यहाँ पे मेंशन किया गया है, आप लोग वीडियो पॉज करके इसको पढ़ सकते हैं। डिजिमोर का सारा सोशल मीडिया लिंक यहाँ पे दिया गया है और इस QR कोड को स्कैन करके आप लोग सेटअप गाइड डाउनलोड कर सकते हैं। और डिजिमोर का ऑफिशियल मेल ID एंड फ़ोन नंबर मैं यहाँ पे दे रहा हूँ। तो चलिए अब फटाफट से इसको असेंबल कर लेते हैं। पहले टेबल क्लिप को टेबल के ऊपर ऐसे फिक्स कर लेते हैं, उसके बाद स्टैंड को लेके इसके ऊपर ऐसे फिक्स कर देते हैं। नेक्स्ट स्टैंड के सामने के तरफ जो नट है पहले उसको हम खोल लेते हैं और उसमें जो माइक्रोफोन होल्डर है उसको फिक्स कर लेते हैं। ऐसे इसको टाइट करके इसके ऊपर फिक्स किया जाता है। इसे अच्छे तरह से यहाँ पे टाइट करने के बाद हम स्टैंड को अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेंगे और उसके बाद इसमें हम लगाएंगे अपना माइक्रोफोन। इसे फिक्स करना बहुत ही आसान है। अभी माइक्रोफोन का जो फिल्टर है उसको हम यहाँ पे ऐसे फिक्स कर लेते हैं। अभी सब कुछ फिक्स करने के बाद हम लेंगे माइक्रोफोन केबल और उसको ऐसे लगा देंगे माइक्रोफोन में। और इसका जो दूसरा सिरा है उसको हम जैसे बोले थे कंडेंसर माइक वाला पोर्ट में इसको लगा देंगे। अभी हम लेंगे ये डेटा केबल, जिससे ये कंट्रोलर जो है वो चार्ज भी होगा और इसी केबल को अगर आप कंप्यूटर में लगाते हैं तो ये कंप्यूटर में डेटा भी ट्रांसफ़र करेगा। नॉर्मली आप इसको कोई भी पावर बैंक से या फिर 5 वॉट का किसी भी एडेप्टर से आप इसको चार्ज कर सकते हैं।
ये जो पावर बटन है इसको 3-4 सेकंड के लिए होल्ड करने पर यह कंट्रोलर जो है वो एक्टिव हो जाता है। एक बार फुल चार्ज होने पर ये 2-3 घंटा इजीली चल जाता है। अब हम लेंगे मोबाइल कनेक्टेड वाला जो केबल है उसको, और उसका जो USB टाइप बी वाला पोर्ट है ये यहाँ पे मोबाइल 1 जो लिखा है यहाँ पे लगा देंगे, और दूसरा सिरा जो है वो हेडफोन जैक में लगा देंगे। ये जो केबल है ये इनपुट आउटपुट दोनों ही काम में ये इस्तेमाल होता है। इसी तरह से अब दूसरा मोबाइल को भी इसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं, और कनेक्ट करने के बाद जो भी आप वॉइस रिकॉर्डिंग करेंगे या फिर जो भी आप वीडियो रिकॉर्डिंग करेंगे सब इसी माइक्रोफोन से रिकॉर्ड होगा, और लाइव वॉइस रिकॉर्डिंग को सुनने के लिए आप हेडफोन को हेडफोन जैक में लगा सकते हैं। तो अभी हम आप लोग को दिखाते हैं कि इस फ़ोन का ये जो कंट्रोलर है तो इसमें ये कैसे काम करता है और सारे बटन का कैसा काम है। जैसे ये जो माइक का ऑप्शन है इसमें क्या होता है कि जो बैकग्राउंड नॉइज़ है ये आप जितना इसको बढ़ाएंगे आप देख सकते हैं कि मेरा बैकग्राउंड का नॉइज़ आपको ज़्यादा सुनाई देगा, और इसको जितना आप कम करेंगे उतना आपका बैकग्राउंड का नॉइज़ जो है वो आपको कम सुनाई देगा। तो नॉइज़ लेवल को मैनेज करने के लिए ये बटन का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पे देख सकते हैं आप इको वाला बटन है, इको मतलब मेरा जो वॉइस है ये अभी आप देख सकते हैं कि कैसे आप लोग को मेरा वॉइस में इको सुनाई देगा। इसको जितना बढ़ाएंगे इको उतना लगेगा कि एक बड़ा हॉल में हम बात कर रहे हैं। अभी नेक्स्ट अगर हम आ रहे हैं यहाँ पे आ गया है ट्रेबल, यहाँ से बेस मैनेज कर सकते हैं। यहाँ पे है रिकॉर्ड, मान लीजिए हम इसके थ्रू से जो भी रिकॉर्ड कर रहे हैं इसी बटन से उसको रिकॉर्ड ऑन ऑफ किया जाएगा। और यहाँ पे बैकग्राउंड टैग, यहाँ पे मान लीजिए कि मैं एक फ़ोन में यहाँ पे एक सॉन्ग प्ले कर रहा हूँ, देखिए आपको ये सॉन्ग भी यहाँ पे लाइव सुनाई देगा। देखिए देख रहे हैं आप, और अभी यहाँ पे देखिए मॉनिटर, मतलब यहाँ से आप पूरा जो वॉइस है मतलब मेरा जो वॉइस है अब इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो अभी हम नीचे आते हैं, यहाँ पे देखिए बहुत सारा ऑप्शन है, देखिए रिवर्ब डिले, मतलब यहाँ पे देखिए वॉइस चेंज, ये बहुत ही मज़ेदार वाला एक ऑप्शन है। इसके हेल्प से आप प्रैंक कॉल भी कर सकते हैं, जैसे मेरा वॉइस देखिए अब कैसा हो। हेलो हेलो गाइस, तो आप अभी अब देख सकते हैं कि मेरा जो वॉइस है वो अभी कैसे चेंज हो गया है। तो अभी ये इसमें जो थर्ड वाला वॉइस है वो मेरे को बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पे MC, यहाँ पे वॉइस ओवर, तो भी हम यहाँ पे देखते चीयर्स। ये है डिम, ये गन शॉट है, ये बटन, ये पिज़्ज़ा, ये है किस, ये समय दे रहा हूँ। इस प्राइस रेंज के अंदर ये एक बहुत ही अच्छा ऑडियो मिक्सिंग डिवाइस है। परचेस लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। Thanks for watching.